हेलो दोस्तों, आप सभी को चिली तड़का में स्वागत है। आज हम बनाएंगे नारियल पुडिंग। इसे दिखने में जितना सुंदर है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। खाने के बाद आप सोचोगे क्या खा रहे हो, मिठाई या केक। अब शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने इस साइज का एक नारियल लिया है। उसको छोटे छोटे पीस करके उसका ऊपर पार्ट को ऐसे ही निकाल लिया है। व्हाइट पार्ट को मिक्सी में पीस लेंगे। नारियल ज़्यादा सूखा हो तो 2 कप नारियल में 1 कप पानी दे सकते हैं। कच्चा नारियल हो तो 2 कप नारियल में 1.5 कप पानी डाल के पी सकते हैं। सूखा नारियल में इतना टेस्ट नहीं आएगा ज़्यादा पानी देने से। अब ये नारियल को छान देंगे। ऐसे ही नारियल से दूध निकालेंगे। एक चम्मच से प्रेस करके ऐसे ही निकालेंगे। अब एक बाउल में 1 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर को नारियल की दूध के साथ अच्छे से मिलाएंगे। इस घोल को नारियल पुडिंग का थिकनेस के लिए बाद में यूज करेंगे। अब हो गया, इसको साइड में रख देते हैं। अब गैस ऑन करके नारियल के दूध को गर्म करेंगे। अब उसमें उबाल आ गया है। अब चीनी डालते हैं, टेस्ट के हिसाब से चीनी डालते हैं। और जो घोल बनाए थे कॉर्नफ्लोर का उसको भी डाल देते हैं। डाल के कंटिन्यूअसली ऐसे ही स्टियर करते रहेंगे। नारियल से दूध निकलने के बाद जो नारियल है उसे आप चटनी बना सकते हैं, उससे लड्डू भी बना सकते हैं। ज़्यादा सूखा नारियल होगा तो दूध निकलने के बाद इतना टेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन आप रीयूज कर सकते हैं। करी बनाने के लिए ग्रेवी में भी यूज कर सकते हैं। अब कुक हो गया है, हमें ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब गैस को ऑफ कर देते हैं, एक मोल्ड पर ट्रांसफर कर देते हैं। आप कोई भी बर्तन ले सकते हो, कांच का या स्टील का, जो भी हो आपके पास। अब इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देते हैं। अब 1 घंटा हो गया है। अब इसको ऐसे ही साइड से कट करके निकालते हैं। ध्यान से कट करेंगे, नहीं तो इधर उधर कर जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट बना है। आप देखिए कितना बढ़िया बना है। आप एक बार बना के खाओगे तो जान पाओगे इसका टेस्ट कैसा है, कितना सॉफ्ट बना है। देखिए अब बन गया है हमारा नारियल पुडिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।